नमस्कार दोस्तों, फन एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि हम ग्रेविटी को चैलेंज करने वाले हैं तो आप बोलेंगे ये इस प्लैनेट में तो पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरे प्लैनेट में जाके ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस हम ग्रेविटी को भी चैलेंज कर सकते हैं और आज का हमारा वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए Without any further ado, let's start our video. दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इस चीज के ऊपर है। क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, एक छोटा सा ग्लास का बीकर है और उसमें मैंने ऐसे कुछ चेन बीड्स रख रखे हैं। मैं आपको थोड़ा सामने से दिखाता हूं, बस यही चीज है और कुछ नहीं। और आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम लोग एक फिजिक्स के फिनोमेना जिसको हम लोग मोमेंटम के नाम से जानते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। बात बाद में करेंगे, पहले डेमोंस्ट्रेशन करके देख लेते हैं कि सही में ये मोमेंटम के वजह से हम ग्रेविटी को चैलेंज कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये जो चेन बीट्स है ये ग्रेविटी के सिद्धांतों को मात दे पाता है या नहीं। देखिए, जैसे ही मैं ये चेन को नीचे गिराता हूं तो ये चेन ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाके काम करेगा। आप यहां पे गौर कीजिएगा और देखिए क्या होता है। 1, 2, 3 देखा आपने, चेन कम से कम उछल के यहां तक आया था। दोस्तों एक और मजेदार चीज आपको बताना चाहूंगा, इसको हम जितना हाइट में रखेंगे ये चेन उतना ऊपर उछलेगा। तो चलिए एक बार वो भी करके देख लेते हैं। इसको मैंने काफी ऊंचाई में रखा है और अभी मैं इसको नीचे की तरफ पुल करता हूँ। देखिए चेन कहां तक उछल रहा है। दोस्तों आपने देखा कैसे ये चेन बिट्स इस ग्लास जार से उछल के बाहर आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मैंने इंटरनेट में काफी इसके बारे में ढूंढा, काफी रिसर्च किया और मुझे कुछ एक जगह में देखने को मिला कि इस इफेक्ट को, ये जो उछल के बाहर आ रहा है, इस इफेक्ट को मोल्ड्स इफेक्ट के नाम से बताया गया है। बट जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेन है इसमें देखिए एक बीट के बाद, हर एक बीट के बाद एक छोटा सा कनेक्टर है और जब कभी भी हम इसको ऊपर खींचते हैं तो थ्रू दिस कनेक्टर द सेकेंड बीट वॉज एक्चुअली पुल्ड अप। अब जब कभी भी हम ये पहले वाले बीट को खींचते हैं या फिर इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ये सेकेंड वाला बीड है इसका पोजीशन भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? पहले वाले बीड पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले बीड को भी अपने तरफ खींचता है और उसके वजह से एक विपरीत दिशा में प्रेशर क्रिएट होता है। और विपरीत दिशा में प्रेशर क्रिएट होने का मतलब है ये जो दूसरी वाली बीड जो गिरा हुआ था जमीन पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गिरा हुआ था वो एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पे एक और सिद्धांत लागू हो जाता है जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं एवरी एक्शन हैज अ सेम एंड इक्वल रिएक्शन। तो जब ये एक फोर्स क्रिएट करता है इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इसका प्लेटफॉर्म भी इसके अगेंस्ट में एक फोर्स क्रिएट करता है और वो हेल्प करता है ये सेकेंड बीट को उछलने के लिए। एंड दैट इज हाउ द मोमेंटम वॉज क्रिएटेड। और जब एक बार ये फोर्स में आ जाता है तब एक के बाद एक लड़ियों के जैसा ये उछल के
इस छोटे से बीकर से बाहर आने लगता है और देखने में हमें ऐसा लगता है कि चेन ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाके, हालांकि इसको नीचे जाना चाहिए था बट ये नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर होके फिर नीचे जा रहा है ना मजेदार चीज। और इस एक्सपेरिमेंट को आप आराम से घर में कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था चेन फाउंटेन का डेमोन्स्ट्रेशन और उसके पीछे का प्रोबेबल रीजंस। अगर आपको इससे कुछ बेहतर जानकारी है इसके बारे में कि किस कारण से ये उछल के बाहर आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इसके बारे में और जानने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। वंस अगेन अ बिग थैंक टू ऑल ऑफ यू। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।